गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हो आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आपको पता है ना मैं कौन हूँ हाँ मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ तो बच्चों चलिए आज हम अपना पीरियड स्टार्ट करते हैं तो पीरियड स्टार्ट करने से पहले लास्ट पीरियड में हमने विलोम शब्द पढ़े थे जिसका मतलब होता है उल्टे शब्द तो उसका मतलब आपको पता चल गया इंग्लिश में जैसे हम ऑपोजिट बोलते हैं तो वो हमने पढ़ा था तो इसे हमने एक एक्टिविटी के थ्रू भी देखा फिर मैंने आपको बुक से भी करवाया था कि कुछ कुछ उल्टे वर्ड होते हैं तो आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करें तो चलिए हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अच्छा तो आज का हमारा टॉपिक है आप सोचोगे कि मैम फिर से कुछ पढ़ाना स्टार्ट करेगी तो मैं अभी कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ मैं आपके साथ एक एक्टिविटी करूँगी तो चलिए वो एक्टिविटी हम देखते हैं तो बच्चों यह जो हम एक्टिविटी करेंगे यह हमारे उल्टे शब्द मतलब कि जो विलोम शब्द है ऑपोजिट उससे रिलेटेड है तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे पजल्स बनाए हैं आप देख सकते हो पहले हम इनको सजा देंगे ऐसे जैसे वन बाई वन में रखती हूँ ये एक्टिविटी करते करते बच्चों में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूँगे आप उसके आंसर्स दोगे मुझे ओके okay. तो बच्चों मुझे एक बात बताओ सूरज कब निकलता है हाँ सूरज कब निकलता है आप मुझे बताओ हाँ दिन में निकलता है ओके okay. तो चाँद कब निकलता है बच्चों चांद रात को निकलता है वेरी गुड तो बच्चों यहाँ पर मैंने दो अपोजिट वर्ड बताए आपको क्या क्या है वो दिन और दिन का ऑपोजिट होता है रात ठीक है तो यहाँ पे देखो मैंने ये पज़ल्स रख दिए हैं अब हमें इनके जोड़े बनाने हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने अपनी उस दिन एक्टिविटी जो की थी उसमें सीखा था इसका ये क्या है ये खुश है तो खुश का उल्टा यहाँ पर देखो आप कहाँ है वेरी गुड तो इसको हम इसके पास ले आएंगे और इसकी कटआउट्स भी देखो सेम होनी चाहिए हाँ तो ये सेम है तो हम इसको पास ले आए तो यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर दिया खुश उदास अब सबसे पहले हम इसे देखते हैं यह क्या है मछली और हमें यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई दिख रहा है हाँ ये वाली तो ये क्या है ये बड़ी मछली है और यह किस टाइप की है छोटी मछली तो इनका हम हाँ एक पैर बना के एक जोड़ा बना के यहाँ पर लगा सकते हैं तो यह हो गया बड़ा छोटा छोटा बड़ा अब थर्ड में हम ये लेते हैं ये किस टाइप की पिक्चर दिख रही है आपको यह दरवाज़ा है दरवाज़ा क्या है अभी बंद है हाँ तो इसका हमें पैर खोजना है कहाँ है कहाँ है? है ये रहा इसका पेड़ इसका जोड़ा हम यहाँ मिलाएंगे। पहले हम देखेंगे सेम कटआउट है क्या हाँ तो जब दरवाज़ा खुलता है तो उसको बोलते हैं खुला और जब हम किसी चीज़ को बंद करते हैं तो बंद खुला बंद तो अगर हम दरवाजे के बाहर रहते हैं मतलब कि आउटसाइड साइड में रहते हैं तो उसको बाहर बोलते हैं हिंदी में और इनको अंदर बोलते हैं इसके बाद हम एक पेयर लेंगे ये वाला अब इससे रिलेटेड पेयर हमें खोजना है कहाँ है ये रहा ये सेम है क्या हाँ सेम है तो ये क्या है इस जार में क्या है अब बोलो मुझे थोड़ा और इसमें क्या है बहुत वेरी गुड अभी किस चीज़ का साइन है ऊपर इससे रिलेटेड पैर खोजना पड़ेगा ये रहा यह कहाँ इंडिकेट कर रहा है किस तरफ दिखा रहा है हमें नीचे के तरफ अब देखो लास्ट वाला पेड़ अपने आप बन गया आपको बनाना ही नहीं पड़ा तो बच्चों इस तरह से हमने इस एक्टिविटी से भी विलोम शब्द सीखे खुश उदास बड़ा छोटा इसमें हमने दो सीखा है एक बाहर अंदर खुला बंद इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नीचे ऊपर ये क्या है आधा और ये पूरा वेरी गुड तो बच्चों कैसे लगी एक्टिविटी आई होप अच्छी लगी होगी आपको ये एक्टिविटी हाँ तो ये एक्टिविटी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ अब मैं आपको आप वर्कशीट के बारे में कुछ समझाती हूँ तो बच्चों इस तरह से मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी आपको इसको यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर वन मिलान करो मतलब मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पर काउंट करना है यहाँ पर हिंदी में नंबर्स लिखे हुए हैं एक से दस तक आपको इनको मैच करना है इसके बाद की जो वर्कशीट है वो हमारी है हमने लेसन टू पढ़ा है जिसमें कि हमने विलोम शब्द पढ़ा था तो यह उसे रिलेटेड है यह मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि यह मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जैसे यहाँ पर जोड़े बनाओ मतलब कि इसको सबसे पहले आधा आधा का क्या होता है पूरा तो ये आपको पहले लर्न करना पड़ेगा उसके बाद में आप ये वर्कशीट सॉल्व करिएगा ठीक है और जो थर्ड वर्कशीट है वो भी हमारे पार्ट दो पत्ते के नाव से रिलेटेड है जैसे कि अब यहाँ पर मैंने दिया है नीचे दिए गए चित्र देखो और वाक्य पूरे करो अब यहाँ पे मैंने हेल्पिंग कॉलम आपको दिया हुआ है आपको सबसे पहले ये पिक्चर देखनी है मतलब ये चित्र देखना और आइडेंटिफाई करना ये क्या है तो मैं एक आपको बताती हूँ और आप नेक्स्ट अपने आप करिएगा ट्राई करिएगा डैश के किनारे डैश का एक पेड़ था तो ये आपको किस चीज़ का चित्र दिख रहा है किस चीज़ की पिक्चर दिख रही है यहाँ से ऑप्शन में आप देख सकते हो यह किसका है यहाँ पर क्या है ये सरोवर सरोवर के किनारे डैश का पेड़ मतलब कि किस चीज़ का पेड़ है ये याद आया हमने क्या रीडिंग किया था वहाँ पर करेक्ट बरगद का एक पेड़ था तो इस टाइप से आपको ये दोनों सॉल्व करने हैं यहाँ पर हेल्पिंग कॉलम दिया हुआ है अब यहाँ से देख कर आराम से इवन पिक्चर देख के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस चीज़ की पिक्चर है लेकिन आपको रीडिंग करनी पड़ेगी बच्चों तो बच्चों इस टाइप से हमने तीन वर्कशीट में आपको भेज रही हूँ आप लर्न करिए लर्न करने के बाद में इसे कंप्लीट करिए बच्चों वर्कशीट जब आप कंप्लीट कर लोगे इसके बाद मैंने एक सेल्फ असेसमेंट आपको दिया है जो कि अपने यूनिट टू से रिलेटेड है मतलब इसमें जो नंबर्स होंगे हिंदी में जो नंबर्स लिखने हैं वो होंगे और आपको इसमें पार्ट दो से संबंधित कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जैसे मैं आपको पहले बताती हूँ नंबर एक सही या गलत पर निशान लगाओ यह हमारा पार्ट दो से रिलेटेड है आपको यह सॉल्व करना है उसके बाद में प्रश्न दो है दिए गए अंकों के नाम हिंदी में लिखिए यहाँ पर मैंने एक से दस तक की गिनती लिखी है आपको हिंदी में इसे लर्न करना है और फिर लिखना है इसके बाद मैंने जो प्रश्न तीन दिया है प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है तो स्टूडेंट नोट्स में आपने क्लास वर्क में आई थिंक कंप्लीट कर लिया होगा पहले आप अच्छे से लर्न करिए जैसे कि बरगद के पेड़ पर कौन रहता था तो आपका इसका आंसर क त पूरे अच्छे से लर्न करना है कि कबूतर में ब में किसकी मात्रा होती है बड़ाओ की मात्रा होती है या छोटाओ की मात्रा होती है मात्रा वगैरह लर्न करना आपको बहुत ज़रूरी है बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो ये दोनों आपको एकदम अच्छे से लर्न करना है और फिर आप ये कंप्लीट करेंगे तो बच्चों जो हमारा यूनिट टू है वो यहीं पर कंप्लीट होता है लॉकडाउन के वजह से हम अभी मिल नहीं पा रहे हैं आई होप नेक्स्ट मंथ हम ये लॉकडाउन खुल जाए और बहुत जल्दी मिले तो मैं अपना पीरियड यहीं समाप्त करती हूँ चलो बाय